वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीच चैप में। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपत्ति या ऑब्जेक्शन दर्ज करना है आपको। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है, स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि उन्हें आपत्ति या ऑब्जेक्शन दर्ज करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आगे देखिए इस वीडियो में करना क्या है आपको। सबसे पहले jvvnl.onlinereasy.in लगाकर आपको साइट पर जाना है। इसका डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया है। डॉट के बाद आपको स्पेस छोड़ना है यहाँ पर। अब जो सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है जेवीएनएल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने जयपुर विद्युत निगम की ये ऐसा इंटरफेस खुलेगा जेवीएनएल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। इसमें अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ऑब्जेक्शन लिंक दिया है, ये देखिए आपके सामने ऑब्जेक्शन लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद में जो इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, इसमें दो चीज़ें पूछी गई है आपसे। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको यहाँ पर। जो लास्ट वीडियो था कि आंसर की कैसे डाउनलोड करनी है, उसमें भी मैंने आपको बताया था। तो रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ डेट ऑफ बर्थ डालते ही आपका आंसर की और ये पूरा फॉर्मेट खुल जाएगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे एग्जांपल मैं डाल रहा हूँ 30 23, और उसके बाद में 069 मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है। और उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपनी यहाँ पर। जैसे मैं डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ 15 के बाद, आपको याद रखिए कि बीच में डैश जरूर लगाना है, सीधा मंथ नहीं लिखना है यहाँ पर। तो 15 के बाद में जैसे डैश लगा के मैंने 08 लिख दिया, फिर डैश लगाया है, फिर 1997 लिख दिया है मैंने। ये करते ही आपको करना है लॉगिन। लॉगिन करते ही आपका नाम और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें नेम आ गया है परमजीत और रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया है। फिर यहाँ दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी। इनमें आप अपने क्वेश्चन पेपर को ओपन कर लीजिए, जिस क्वेश्चन में डाउट है उसका नंबर नोट कर लीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्शन कैसे करना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ ऑप्शन आ रहा है रेज योर ऑब्जेक्शन, तो इसमें जो एरो लगा है नीचे सेलेक्ट के सामने, इसको आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में देखना है क्योंकि सभी की सीरीज अलग है। आप देखिए आपकी क्वेश्चन आंसर की में कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है। यहाँ देखिए इसको सेलेक्ट करने के बाद जो एरो था क्वेश्चन नंबर के नीचे, एक से लेकर पूरे 150 क्वेश्चनों का यहाँ पर दिया गया है। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने इस 14 नंबर को सेलेक्ट कर लिया है कि इसमें मेरे को दिक्कत है, ऑब्जेक्शन है मेरे को। आगे देखिए क्या करना है। नीचे लिखा है कि कैंडिडेट्स कैन रेज ओनली वन ऑब्जेक्शन फॉर ईच क्वेश्चन, मैक्सिमम 500 करेक्टर्स। ओके, तो आप जो ऑब्जेक्शन है वो 500 करेक्टर्स में यहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं। करना क्या है अब इसमें, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि मुझे इस क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ आ रही है, तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, मैं लिख रहा हूँ देखिए कि जो ऑप्शंस हैं वो रॉन्ग है, गलत हैं, ये लिख रहा हूँ मैं। या आप क्या लिख सकते हो कि जो राइट आंसर है इसका बी है, या उसके बारे में ये भी बता सकते हो कि राइट आंसर बी क्यों है, या इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, या क्वेश्चन गलत है। जो आपको ऑब्जेक्शन है उस क्वेश्चन में आप उसमें टोटल लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा है कि ऑप्शंस आर रॉन्ग, या उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो इस तरह से आप इसमें पूरी डिटेल दे सकते हो। इसमें टाइप करना है आपको इसमें, जैसे करेक्ट ऑप्शन इज बी, ये मैंने डाल दिया है यहाँ पर। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसको जब आप ओके कर दोगे तो आपके सामने कुछ अगला इंटरफेस ये खुलेगा। इसमें अब आगे देखिए क्या लिखा आ रहा है कि डू यू वॉन्ट टू अपलोड डॉक्यूमेंट, कि कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपको इसके रिगार्डिंग। यस कर दिया है मैंने इसको। जैसे कुछ आपने देख लिया कि ये आंसर इसका सही है और इस बुक में लिखा है, या आप वो अपलोड कर दीजिए यहाँ पर। यस करते ही चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है, उसको सिलेक्ट करना है। फिर कैमरा में जाइए, या आपके पास कोई PDF पड़ी है जैसे आपको ठीक लगे, जैसे कोई बुक है उसकी फ़ोटो खींच के, कि जैसे निम्मी की अच्छी ऑथराइज्ड बुक हो उससे फ़ोटो खींच के आप अपलोड कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, चूज़ फाइल करते ही उसके बाद डिक्लेरेशन आ रहा है कि आई एम अवेयर दैट द ऑब्जेक्शन वंस रेज फॉर दिस क्वेश्चन कांट बी मॉडिफाइड लेटर, मतलब बाद में मॉडिफाई नहीं हो सकता। आपको पहले ही सबमिट करने से पहले उस ऑब्जेक्शन में जो भी प्रॉब्लम है सभी उसमें लिखनी होगी, सबमिट करने के बाद नहीं होगा। उसके बाद आपको लास्ट में सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपका ऑब्जेक्शन हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी, और यूं ही चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।